अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। सानिया मिर्ज़ा के वालिद साहब इमरान मिर्ज़ा ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी और शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स के बारे में आके बता दिया। तो इसके बारे में बात करते हैं, आप वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल से शोएब मिर्ज़ा और सना जावेद की शादी के चर्चे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर सना जावेद और शोएब मलिक की शादी की धूम मची हुई है। उससे पहले काफ़ी अरसे से शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स की बातें सुनने में आई थी और सेपरेशन की, लेकिन उन दोनों की तरफ से कोई मौकफ सामने नहीं आया था, जिसकी वजह से लोगों को अभी तक डाउट था। अब जब सना जावेद के साथ शोएब मलिक की शादी का सुना तो लोगों ने जो है बातें फैलाना शुरू कर दी कि शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स हुई भी थी या नहीं हुई थी। उधर से सना जावेद के बारे में भी कि सना जावेद ने जसवाल से डिवोर्स ली थी या नहीं, इस तरह की खबरें जो हैं आम हैं। तो शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सानिया मिर्ज़ा के वालिद साहब इमरान मिर्ज़ा, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, वो लाइव आए और उन्होंने बता दिया कि चंद माह पहले ही सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स हो गई थी। लेकिन ये है कि अभी तक वो खामोश थी क्योंकि वो प्राइवेट लाइफ को अलग रखती है सोशल मीडिया से। यही वजह है कि वो जो है इसके बारे में बता ना सकी। अब बुशरा अंसारी ने इस टॉपिक पे बात की है और वो बड़े गुस्से में थी। बुशरा अंसारी ने बोला कि सोशल मीडिया क्यों इतना जो है फफी कुटनी की तरह पर्सनल लाइफ में लोगों की घुसता है। मुझे कॉल्स आ रही हैं कि सना जावेद ने डिवोर्स ली थी नहीं ली थी, शोएब मलिक सानिया मिर्ज़ा की डिवोर्स हुई थी नहीं हुई थी, ये दोनों कहाँ मिले थे, इस तरह की बातें जो है मेरे से पूछ रहे हैं। तो बुशरा अंसारी ने कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें।